नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या जायसवाल। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सदर विधायक ने आयुर्वेदिक विभाग की गोपनीय जांच कराने की डीएम से की पेशकश। आयुर्वेदिक विभाग के डॉक्टरों की जिला मुख्यालय से बिना बताए गैर हाजिर रहने की कही बात। स्टाफ द्वारा शिक्षण व चिकित्सकीय कार्य में शिथिलता बरतने का लगाया है आरोप। मेरा तो सीधा सा मतलब है, सबसे शिकायत की है डॉक्टर के नाम क्या शिकायत है, क्यों की है? देखिए, क्यों का मतलब तो यह है कि कोई उनका व्यक्तिगत मेरे उनका कोई वो नहीं है। मेरा तो सीधा सा मतलब है कि कोरोना का टाइम चल रहा है और कोरोना काल खंड में पहले भी हमारे सारे सम्मानित चिकित्सक डॉक्टर ने जितने कोरोना वॉरियर्स थे उन सबने पीलीभीत में बहुत अच्छा काम करके बचाव किया, लेकिन तब से ही वो गायब ही हैं, ड्यूटी से ही ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी चिकित्सक हो, इस कोरोना कालखंड में पीलीभीत की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, टेस्टिंग हो, वैक्सीन लगे और मास्क के लिए जन जागरण हम लोग चला रहे हैं वो भी काम हो, तो उसमें सारे डॉक्टर्स जो हैं, मैंने आज एक और पत्र भी लिखा है कि जितने डॉक्टर्स हैं, जितने भी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित लोग हैं, वो सारे अपने हेडक्वार्टर को ना छोड़ें, ऐसा आज मैंने डीएम साहब को एक पत्र लिखा है। पुलिस के जितने हमारे साथी हैं वो भी सारे अपने हेडक्वार्टर को ना छोड़ें, यहीं रहें, क्योंकि कोरोना की ये दूसरी लहर से भी हमको जीतना है और ये हम सब मिल करके जीतेंगे। जब ये सब जंग मिल करके लड़ेंगे तभी हम निश्चित रूप से इसमें जीतेंगे। जनपद शाहजहांपुर के खुटार क्षेत्र के मोहल्ला राय टोला में चल रही अवैध असलाह एक फैक्ट्री खुटार नगर पर मोहल्ला राय टोला में अवैध असलाह फैक्ट्री चलाने वाले रामोदर कालिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके घर से 3 तमंचे बने पाए हैं और एक अदबना तमंचा, एक देसी रिवाइवल और एक 12 बोर की बंदूक के साथ ही असलाह बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने रामोदर कालिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। अवैध फैक्ट्री चलाने वाले रामोदर कालिया को पकड़ने वाली पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष जयशंकर सिंह, दरोगा रामानंद मिश्रा, दरोगा रामायण सिंह, हेड कांस्टेबल विजय प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल एसपाल सिंह, कांस्टेबल मौनी सिंह आदि डिपार्टमेंट के साथ अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। इसमें पुलिस को बहुत ही सराहनीय काम किया है। थाना खुटार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त राम अवतार उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया गया। ये अवैध असलाह की फैक्ट्री चला रहा था अपने घर के अंदर ही। इससे एक काफ़ी मात्रा में बने और अदबने तमंचे बरामद हुए हैं, एक बंदूक भी बरामद हुई और एक देसी रिवाल्वर जो रिपेयरिंग के लिए आई थी वो भी बरामद हुई है। इसने गैस के चूल्हे पर ही हीटर के एलिमेंट लगाकर इलेक्ट्रिक भट्टी तैयार कर रखी थी। ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी, इस पर कई अभियोग पंजीकृत हैं। पहले इसने एक ही परिवार के 3 लोगों की डकैती के दौरान हत्या कर दी थी। ये मूलतः लखीमपुर हैदराबाद का रहने, यहाँ पे खुटार में आकर रहने लगा, इसके बाद एक गन हाउस पे नौकरी करने लगा और उसी की आड़ में अवैध फैक्ट्री का संचालन करने लगा। शातिर किस्म का अपराधी, इस पर कई मुकदमे पंजीकृत हैं, इससे पूछताछ की जा रही है और उसको जेल भेजा जा रहा है। योगी सरकार की छवि को मटियामेट करने में तुले भदोकर थाना प्रभारी रायबरेली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बेलगाम हो चुकी पुलिस भी योगी की मंशा को नाकाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई और महिलाओं की समस्या के लिए महिला हेल्प डेस्क में 4 आरक्षी महिलाओं को तैनात किया गया, लेकिन भदोकर थाना प्रभारी द्वारा महिला हेल्प डेस्क का मजाक उड़ाया जा रहा है।
योगी सरकार की छवि को धूमिल करने में तुले हुए हैं। गौरतलब है कि मामला भदोकर थाना क्षेत्र के मिश्रण का पुरवा का है, जहां हरिलाल पुत्र ओसान निवासी पूरे मिश्रण का पुरवा ने भदोकर थाने में दुष्कर्म होने की शिकायत देकर गई थी, लेकिन पीड़िता की दी तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाने का दबाव बनाया। पीड़िता ने जब मना किया तो महिला पुलिस कर्मियों ने अनैतिक रूप से पीड़ित व उसके परिजनों को धमकाते हुए दुष्कर्म पीड़िता से मारपीट की, जिससे पीड़िता काफी डरी हुई है। वही इस पूरे मामले की शिकायत लेकर दिनांक 9 अप्रैल 2021 को पीड़िता व उसके परिजन पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि मेरी नाबालिग पुत्री जिसकी उम्र 16 वर्ष है, गांव के ही कन्हैया लाल उर्फ पातू ए ट्रक ड्राइवर द्वारा 27 मार्च को दिन दहाड़े करीब 11:30 बजे शौच के लिए नदी की तरफ गई थी। आरोप है कि तभी गांव के ही कन्हैया लाल उर्फ पातू पुत्र राम कुमार ने मेरी पुत्री को चाकू दिखाकर जबरन दुष्कर्म किया और बेसुध हालत में उसको छोड़कर भाग गए। वहीं जाते जाते धमकी भरे शब्दों में कहा, अगर कहीं शिकायत की तो जान से मार देंगे और तुम्हारे घर वालों को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। पीड़ित की पुत्री घर आई और वह उपरोक्त घटना से घबराई हुई थी। पीड़िता की मां ने पुत्री से दबाव डालकर पूछा तो पुत्री ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। घटना के बाद पीड़िता अपने लड़के के मोबाइल से 1090 डायल कर घटना की सूचना दी, जिस पर कुछ पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, पूछताछ की। प्रार्थी की पुत्री ने मौके चौकी इंचार्ज को पूरी घटना बताई। थाना पुलिस ने कन्हैया लाल उर्फ पातू को पकड़ने के लिए दबिश दी, किंतु वो मौके से फरार हो गया। प्रार्थी ने उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराने के लिए थाने पर प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर थाना पुलिस ने चुनावी माहौल के चलते राजनीतिक दबाव के प्रभाव के कारण अभियुक्त पर मात्र छेड़खानी में मामला दर्ज कर लिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि विपक्षी को बचाने के लिए पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। पीड़ित परिवार ने बताया कि पुलिस द्वारा बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत करने वाले व्यक्ति को खुलेआम घूमने का प्रमाण पत्र दे रही है। कहाँ से आए हो, किस गांव से? क्या मामला है? हमारी लड़की के साथ रेप हुआ है। कौन लोग किए हैं? गांव के पाती कन्हैया लाल। गांव के ही हैं जी। कहाँ शिकायत किया आपने? घर में भी किया है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोई कार्यवाही नहीं, उल्टा। यहाँ कहाँ आए हो? यहाँ उसके ऑफिस आए साहब। भदोकर पुलिस क्या कह रही है? साहब वहाँ तो जबरदस्ती सब काम वहाँ करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, कौन से जबरदस्ती काम? एकदम जबरदस्ती करा रहे हैं, बिल्कुल जो रेप हुआ वो नहीं कर रहे हैं, खाली बड़क छेड़खानी का वो कर रहे हैं। अच्छा, मेडिकल हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ। यहाँ शिकायती पत्र दिया एसपी ऑफिस में? जी दिया। क्या बताए हैं? बोले यहाँ से जाओ भदोकर। अच्छा, वहाँ भेजे तो वहाँ नहीं किए, सारा दिन बैठा के रखे शाम को। क्या आई हो? भदोकर। क्या हुआ है आपके साथ? रेप। कौन लोग किए हैं? गांव के पातू। क्या नाम उनका? पातू कन्हैया। दो लोग किए हैं क्या? एक ही। एक लोग थाने में शिकायत नहीं किया क्या? किया। क्या बताएं थाने में? कुछ नहीं। थाने में क्या बताया है? उन्होंने छेड़खानी का लिखा और कुछ नहीं। अच्छा, छेड़खानी का लिखा। शिकायत काहे किया था आपने? रेप की। रेप की। यहाँ आज कहाँ आए हो आप लोग? कप्तान दे दिया शिकायती पत्र?